नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर जबलपुर से है, जहां गुप्तेश्वर मंदिर में तेज कार सवार ने बंदर को टक्कर मार दी। दरअसल गुप्तेश्वर मंदिर के नजदीक बंदर का बच्चा देर शाम सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तेज कार सवार चालक ने बंदर को टक्कर मार दी, जिससे बंदर घायल हो गया। बंदर के घायल होने के बाद बंदर की मां आधे घंटे तक बंदर के इर्द गिर्द घूमती रही और बंदर दर्द से कराहता रहा। जानकारी के मुताबिक बंदर की मौत के बाद आधे घंटे तक सड़क में लंबा जाम भी लगा, लोग सड़क भी पार नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के द्वारा बंदर का वीडियो बनाकर भी वायरल कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी राजेश सिंह के मुताबिक यदि मौके पर बंदर को इलाज मिल जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। कार से टकराने के बाद बंदर की मां के भावुक पल भी वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार बंदर की मां लोगों से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन सैकड़ों लोग मौजूद होने के बावजूद भी उसकी मदद कोई भी नहीं कर पाया। वहीं मौके पर लोग सड़क भी पार नहीं कर रहे थे। लोगों को डर था कि बंदर कहीं हमला ना कर दे, जिसके कारण आधे घंटे में बंदर के बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया।